स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू स्टार्टेंशियल स्टेटिस्टिक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन क्वानिटेटिव डाटाप्टिव स्टैटिक्स एंडशियल स्टैटिस्टिक्रिप्टिव स्टिक्स जो है वह आपको हेल्पफुल होती है फॉर ऑर्गनाइजिंग एंड समाइजिंग द डेटा जबकि आप इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की जो सेट ऑफ टेक्निक हैं वो यूज करते हैं to draw the hypothesis uh, to draw the inferences from the hypothesis yani ye wo techniques hain jinse aap hypothesis test karte hain apne study ke to inferential statistics ki agar hum baat kare to there are two types of inferential statistics parametric statistics and non-parametric statistics, यानी जब भी आप हाइपोथेसिस test की बात करेंगे testing की बात करेंगे वो तो उसमें दो तरह के टेस्ट होंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो हम अगर पैरामेट्रिक स्टेटस्टिक्स की बात करें तो इन पैरामेट्रिक स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द पॉपुलेशन इज़ नोन एंड इज बेस्ड ऑन अ फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स यानी आपको पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है आप पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जानते हैं और उसकी बेसिस पे ही आप जो है टेस्ट परफॉर्म uh, uh, करते हैं और जो रिज़ल्ट है आपका जो सैम्पल का स्टेटस्टिक्स है उसको वेरीफाई कर लेते हैं फ्रॉम पापुलेशन पैरामीटर मगर नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स में पापोलेशन के पैरामीटर्स नॉट नॉन होते हैं यानी वो आप उनके मतलब नहीं जानते तो इस वजह से फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं वो आप तब यूज़ करते हैं जब आपके डेटा की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फुलफिल हो रही हो डेटा जो वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जाते हैं तो तीसरी एजम्पन इसमें ये भी है कि प्रॉबीबलिटी सैम्पलिंग जरूरी है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए अगर वो नहीं लगी हुई तो फिर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जाएंगे अगर नॉन प्रॉबीबलिटी सैम्पलिंग यूज हुई है तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो भी हम टेस्ट की बात करेंगे स्टेटिस्टिकल टेस्ट की तो वो एक्चुअली दो तरह के होंगे या तो पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे